my channel. I'm Neelam Punjabi and today I am going to be showing you guys a weekend in my life. So आज Saturday है and अभी actually I think 2:30 होने वाले हैं. मैंने काफ़ी late start किया है vlog. But अभी मैं और निशांत हम जाने वाले हैं कुछ like we want to run a few errands and हमें पहले तो डीमार्ट जाना है. हमें थोड़े पर्दे वगैरह चद्दरें वगैरह खरीदनी है. तो अभी हम सबसे पहले एक्चुअली जाके कहीं कुछ लंच वगैरह करने वाले हैं. हम कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड सैंडविच वगैरह ही खाने वाले हैं बहुत लाइट सा. सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने निशांत को दे दिया था. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग. लेट्स गो लेट्स गो. चल ना बेबी. शुड आई टेक माय वॉलेट? Where do I have to pay? The light on. I am not paying anywhere. Say hi to my vlog, by the way. Are you please no? Be supportive. Hi, hello. वेज चीज प्लेन सैंडविच फॉर मी. अंदर बोलो. और ये 3-5 feet के. सो वी आर चेकिंग आउट कर्टन्स हियर. आई विल शो यू विच वन आई लाइक. वन सेकेंड. सो दीज आर द कर्टन्स. वी लाइक आई वॉन्टेड समथिंग नाइस एंड श्योर एंड समथिंग इन अ लाइट कलर बिकॉज वी ऑल्सो हैव लाइक कॉटन लाइट्स टू पुट ऑन ड्यूरिंग द मेक ओवर ऑल्सो ड्यूरिंग दिवाली. सो आई लाइक दीज. वी आर ऑल नाइस एंड स्टफ्ड. एंड लिटरली आई डोंट नो वीकेंड था कि क्या था. इतनी भीड़ थी. इट फेल लाइक सामान फ्री में बिक रहा है उतनी भीड़ थी. मतलब एंटर करते हुए फ्लोर पे चढ़ने के लिए भी लाइन थी एंड एग्जिट मारने के लिए भी लाइन थी. इट वॉज वेरी वियर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू सम हार्डवेयर स्टोर. हमने कुछ लाइट्स का ऑर्डर दिया था वो हमें कलेक्ट करना है एंड फिर मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ हमने डीमार्ट से क्या क्या लिया. वेरी बोरिंग बट व्हाई नॉट. हाय गाइस, सो आई एम बैक. तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है. ज़्यादा कुछ एक्चुअली लिया नहीं मैंने. मुझे पता था मुझे क्या लेना है. जस्ट वॉन्टेड टू बाय बेडशीट. न्यू बेडशीट लेनी थी एंड कर्टन्स लेने थे. तो मैंने आई थिंक आपको वहीं पर भी दिखा दिया था. मैंने ये वाले कर्टन्स लिए हैं. काफ़ी ओके क्वालिटी एंड काफ़ी चीप भी हमें मिल गया था. आई थिंक ये 250 या 300 रुपीज़ का था. एंड ऐसे हमने 6 कॉटन्स लिए हैं और 3 बाहर के लिए 3 अंदर के लिए. 2 बेडशीट्स ली. एक ये वाली बेडशीट मुझे इसका ना प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा एंड कलर भी काफ़ी ऐसे ग्रेश न्यूट्रल टाइप का है. एंड मैंने मेरे घर पे इतने ऐसे कलर्स यूज़ नहीं किए. काफ़ी कुछ सब कुछ एक्चुअली न्यूट्रली रखा हुआ है. तो या एंड दूसरी वाली चद्दर ये है. थोड़ी सी ऐसे कलरफुल है, प्रिंटेड है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी. दोनों आई थिंक 600 रुपीज़ की थी. मोस्टली ये वाली चद्दर जो है मैं दिवाली पे लगाऊंगी क्योंकि दिवाली इज़ लाइक अ वेरी नाइस फन कलरफुल फेस्टिवल. तो मुझे थोड़े से कलरफुल वाइब्स चाहिए. फिर मैंने कर्टन लाइट्स जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो खरीदी. एक्चुअली मैंने वो लाइट शॉप से ली है. ये ऐसी बॉबल्स वाली लाइट्स है. ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं. एक डाइनिंग एक लिविंग रूम के लिए, एक बेडरूम के लिए. अभी एक्चुअली काफ़ी शाम हो गई है. आई थिंक 5:30 बज रहे हैं. इट्स 5:30 राइट नाउ एंड मैंने अभी अपनी मेड को बुलाया है और हमें थोड़ी बहुत दिवाली की सफाई
करनी है. मुझे मेरा ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जिस पे मैंने ये सपोर्ट लेके अपना फ़ोन रखा है, मेरा मेकअप ड्रॉर वो साफ़ करना है, एंड मेरा साइड टेबल, बेड का जो साइड टेबल है वो साफ़ करना है. तो आई डोंट थिंक इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग करूँगी, क्योंकि घर का काम, घर की सफाई करनी है, तो उसमें ऐसे कुछ व्लॉग करने लायक है नहीं. तो या आई विल सी यू मे बी टुनाइट और मे बी डायरेक्टली टुमारो. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे. रात को तो हमने डिनर विनर किया, फिर उसके बाद हम मूवी देखने बैठ गए. रक्षाबंधन मूवी देखी हमने एंड हमें बहुत अच्छी लगी वो मूवी. एंड लिटरली मैं और निशांत एंड में बैठ के रो रहे थे वो मूवी देखते देखते. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ दैट मूवी, बट इट वॉज रियली गुड. रियली सरप्राइज हाउ इट डिड नॉट वर्क इन द थिएटर्स. आई डोंट नो फॉर वॉट रीजन, बट इट्स अ वेरी गुड मूवी, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट अगर आपने नहीं देखी है तो. उसका मैसेज भी काफ़ी अच्छा है. अभी 12 बज रहे हैं एंड अभी मेरी ओपन क्लैप की सर्विस आने वाली है. मैंने किचन क्लीनिंग का सर्विस बुक किया था फॉर टुडे, क्योंकि दिवाली आ रही है, मुझे थोड़ा साफ़ सफाई करना है. तो किचन इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ स्पेस टू क्लीन एंड इट्स अ लिटिल इम्पॉसिबल जस्ट फॉर मी टू डू इट बाई माई सेल्फ. तो मैंने कहा चलो ये ओपन क्लैप की सर्विस ही ट्राई कर लेते हैं. इसके पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली अपना रिव्यू शेयर करूँगी. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. हाय गाइस, व्हाट्स अप? लाइक यू कैन टेल दिस इज मच लेटर एंड yeah, like I know this was going to be like a weekend in my life vlog, but I think it's going to turn out to be like a Diwali haul or shopping for Diwali sort of a vlog, because I do have a few things to share with you guys right now. But before that I want to address a few things. Number one, the wall behind me, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेकओवर हो चुका है. आई कुड नॉट फिल्म इट ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बहुत रश में थी एंड बहुत हौच-पौच हो रखा था. मैंने एक टारगेट सेट किया था कि आई वॉन्ट टू फिनिश द मेकओवर बिफोर निशांत बर्थडे. आई हैव व्लॉग्ड हिज बर्थडे, दैट विल बी कमिंग समटाइम सून. अनदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू एड्रेस वॉज दिस सिंदूर. मैं इन लॉज के यहाँ से वापस आई हूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं व्हाइल आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो, तो इसीलिए मैंने सिंदूर डाला है. अदर देन दैट, मुझे ओपन क्लैप की सर्विस के बारे में बताना था. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो मैंने ओपन क्लैप का सर्विस बुक किया था, एंड मैंने सिर्फ किचन का डीप क्लीनिंग चूज किया था, बिकॉज बाकी सब तो मैं खुद भी कर सकती हूँ. आई रियली 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 लाइक डेट. ही वॉज वेरी परफेक्ट विथ ऑल द थिंग्स ही डेड. उसने सब कुछ अच्छे से साफ किया, लिटरली एक एक कैबिनेट खोल के, उसका सारा सामान बर्तन वगैरह निकाल के सब कुछ उसने अच्छे से साफ किया. एंड फिर असेंबल भी उसी को करना था. एंड फ्रिज वगैरह, फ्रिज के अंदर से भी उसने साफ किया सब सामान वामान निकाल के. माइक्रोवेव साफ किया, वॉशिंग मशीन साफ किया, सीलिंग फैन साफ किया, लिटरली जितने भी टाइल्स वगैरह थे और सीलिंग का एरिया था, विंडो था, सब कुछ उसने बेसिकली सब कुछ कवर किया. एंड लाइक ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई वॉज रियली रियली हैप्पी. जब वो एक्चुअली आया था ना, आई थॉट दैट दे माइट सेंड लाइक अ फीमेल टू डू दिस काइंड ऑफ अ जॉब, बिकॉज यूजली फीमेल्स वगैरह को आइडिया रहता है अरेंजमेंट्स का एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट टू माई सरप्राइज दैट गाय हु केम वॉज अमेजिंग. ही डिड अ फैब जॉब एंड ही लाइक एक सर्विस के लिए एक ही बंदा आता है, विच इज़ वाई इट टेक्स लाइक लॉट्स ऑफ आवर्स, क्योंकि एक ही बंदा काम करता है. एंड हमें ऐप पे बताया गया था कि इट्स गोना टेक 6 आवर्स, बट आई थिंक ही वॉज डन इन लाइक 4.5 or 5 hours. आपको लिटरली कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो सारा काम खुद करके जाते हैं. वो लोग सारे अपने जो भी उनका स्प्रे, कपड़ा साफ करने वाला, जो कुछ भी लगता है ना, वो सब कुछ वो खुद ही लेके आते हैं. एंड लिटरली आपको ओवरसी करना, आपको ओवरलुक करना है तो आप वो कर सकते हो, वरना आप कहीं दूसरे कमरे में भी बैठे रह सकते हो. उसको अगर कुछ जरूरत होगी तो वो आके आपसे पूछ लेंगे. बट अदर देन दैट इट वॉज अ फैब जॉब. आई वॉज रियली सैटिस्फाइड. मूविंग ऑन, सो आई रिसेंटली गॉट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम मीशो, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है. टुडे इज थर्सडे एंड मंडे को दिवाली है. तो मैंने कुछ डेकोर आइटम्स मंगाए थे दिवाली के लिए, तो लेट्स फटाफट शो यू गाइज दैट. द नंबर वन थिंग आई गॉट इज दिस
ब्यूटिफुल उर्ली कैंडल होल्डर, गोल्ड फिनिशिंग में आता है, अंदर बाहर दोनों की तरफ है. दिस कैन बी लाइक अ ब्यूटिफुल यू नो लाइक अ सेंटर पीस. यहाँ पे अगर आपको दिए की जोत लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो, बट मैं तो टी लाइट कैंडल्स ही रखूंगी. एंड यहाँ पे आप पानी फिल करके रोज पेटल्स रख सकते हो या फ्लावर्स रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रंगोली नहीं बना रहे हो तो आप बाहर खाली ये भी रख देंगे तो काम चल जाएगा. इसे मिलता जुलता आई गॉट दिस थिंग, आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड. आई थिंक ये भी एक उर्ली कैंडल स्टैंड ही बोल सकते हैं, वेसल टाइप है. द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस वन इज दैट इसका जो पीछे से है ना बाहर से वो ब्लैक कलर में है. आई विश ये भी गोल्ड कलर होता तो ज़्यादा प्रिटी लगता जैसे पिछले वाला था. एंड दिस कैन ऑल्सो बी लाइक अ ब्यूटिफुल लाइक अ सेंटर टेबल पीस, या फिर अगर आपको अपना कॉफी टेबल सजाना है सिर्फ आप ये एक चीज रख दो, इसमें पानी भर दो, थोड़े से पेटल्स डाल दो या थोड़े से गेंदे फूल डाल दो और एक आध टी लाइट कैंडल रख दो तो ये काफी सुंदर लगेगा. दिस ब्यूटिफुल थिंग आई डोंट नो हाउ टू शो इट टू यू गाइज, बट दिस इज हाउ इट इज. इट्स लाइक अ लोटस लैम्प एंड ये गोल्ड में है और ये ऊपर का जो है ये कांच में है. तो इसके अंदर भी आप टी लाइट कैंडल रख सकते हो या फिर आप इसमें पानी, मैंने तो अभी फिलहाल ऐसे ही टी लाइट कैंडल रखा है, बट आप इसमें पानी भर के भी टी लाइट कैंडल रख सकते हो. एंड अगेन दिस कैन बी लाइक वन ऑफ द फिलर्स सेंटर टेबल पे या फिर एंट्रेंस पे अगर आपको फ्लावर वार्स रखना है या एक आध और आइटम रखना है और साथ में ये रखना है तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. या फिर अगर आप अपना डाइनिंग टेबल गेस्ट्स वगैरह के लिए सजाने वाले हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है. द नेक्स्ट आइटम आई गॉट इज अ लिटिल हैवी, सो आई एम गोना बी वेरी केयरफुल व्हाइल आई शो यू दिस. दिस इज अगेन लाइक अ ब्यूटिफुल लोटस स्टैंड एंड ये ऐसे तीन लोटस है इसके ऊपर. एंड ऑब्वियसली ये जो पीसेज है ये कांच के हैं एंड इसका वाइब काफ़ी मुझे अच्छा लगा. दिस इज सच लाइक अ स्टैंड अलोन पीस. एंड देन आई ऑल्सो गॉट दीज क्यूट कैंडल स्टैंड. एक छोटा है एक लंबा है, तो इसके ऊपर नहीं कि वो लंबी जैसी कैंडल्स आती हैं वो थोड़ी ऐसी विंटेज टाइप की, ये ना मुझे इसे काफ़ी विंटेज वाइब दे रहा था विच इज़ वाई गॉट इट. आई थिंक मोस्ट ऑफ माई डेकोर पीसेज आर लाइक विंटेज ही बिकॉज मेरा जो घर का जो थीम है वो भी थोड़ा बोहिमियन एंड विंटेज है. लास्ट आइटम आई गॉट फ्रॉम मीशो इज दिस, बट अगर आप इसको अपनी दीवार पे ऐसे लटका देंगे कहीं पे वो हुक लगा के तो ये कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा. बट मैंने इसको लटकाने के लिए नहीं लिया है, मैंने इसको कहीं पे रखने के लिए लिया है. दिस इज लाइक अ टी लाइट होल्डर. इसको आप खोलेंगे ना तो यहाँ पे आप अपना टी लाइट रख सकते हैं. जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो काफ़ी ब्यूटिफुल एंड प्रिटी लगता है. येस्टरडे ना निशांत के ऑफिस में देर वॉज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टू सेल सम ऑफ देयर थिंग्स दैट वर हैंडमेड बाय स्पेशल किड्स. तो निशांत वॉज जस्ट यू नो ट्राइंग टू हेल्प देम आउट. सो ही गॉट दिस रियली क्यूट लाइक कैनिस्टर्स सेट ऑफ थ्री. ये अलग अलग ही मिल रहे थे, लूज पीसेस थे, तो इसने ये दो आइडेंटिकल लिए और एक ये अलग वाला लिया. इसमें ना मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के सेंटर टेबल पे रख सकती हूँ. ही ऑल्सो गॉट दिस ब्यूटिफुल कैंडल. ये ना चाय का प्याली है जो आपको रास्ते पे जब चाय मिलती है ना तो उसकी प्याली है. एंड उसके अंदर इट्स अ कैंडल, इट्स अ सेंटेड कैंडल. एंड उसके ऊपर वो लोग ने जूट से ऐसे काम किया विच इज ऑल्सो रियली क्यूट. यू कैन कीप दिस लाइक यू नो लाइक अ वन ऑफ पीसेस समवेयर इन योर हाउस. एंड आई रियली hope you guys enjoyed watching this very random vlog. If you did, please give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, follow me on my Instagram, and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care.